नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। 24 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होगी। छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, रायसेन, सीहोर, भोपाल, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आएंगे और इस दौरान वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एक हफ्ते में अमित शाह का ये दूसरा भोपाल का दौरा है। तो वहीं अमित शाह 30 जुलाई को उज्जैन जा सकते हैं, यहां पर बाबा महाकाल का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जुलाई को भोपाल आ रहे हैं। जेपी नड्डा पार्टी के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नरसिंहपुर जाने वाले हैं। गाडरवारा में शिव मंदिर में मत्था टेकने के बाद रोड शो करेंगे। गल्ला मंडी में सभा को संबोधित करेंगे। विकास योजनाओं की सीएम सौगात देंगे। गाडरवारा में शिव मंदिर में मत्था टेकने के बाद रोड शो मुख्यमंत्री करेंगे। गल्ला मंडी में सभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बता दें आपको, विकास योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। रोड शो आज होने वाला है। नरसिंहपुर दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, आज नरसिंहपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विकास योजनाओं की सौगात देंगे। नरसिंहपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैं। बता दें आपको, गाडरवारा में शिव मंदिर में मत्था टेकने के बाद रोड शो करेंगे। गल्ला मंडी में सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं नरसिंहपुर वासियों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नरसिंहपुर का दौरा है, बेहद ही खास होने वाला है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये दौरा बेहद ही खास है। नरसिंहपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। विकास योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के लिए शुभांगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभांगी, सीएम का नरसिंहपुर का दौरा है, आगामी चुनावों को देखते हुए कितना अहम, कितना खास माना जाए ये दौरा? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर योजनाओं के जितने भी हितग्राही हैं उनको लाभ दे रहे हैं। खासकर के ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं वहां पर सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज नरसिंहपुर दौरे में रहेंगे, जहां पर सबसे पहले गाडरवारा में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज महिला सम्मान की थीम पर एक सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह, लाडली बहने और लाडली लक्ष्मियां मामा से संवाद करने वाली हैं, अपने भाई से संवाद करने वाली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 5 सीएम राई स्कूलों की सौगात भी नरसिंहपुर को मिलने वाली है, जिसमें साईखेड़ा, चमारपाठा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव में इन सीएम राई स्कूलों को खोला जाएगा। इसका भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा। और भी ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जहां पर लगातार हितग्राहियों द्वारा ये कहा जा रहा था कि उन्हें सौगात नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचकर आज हितग्राहियों को इसका लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनके लाभ की भी लगातार बात कर रहे हैं और कई ऐसी योजनाएं भी शुरू हुई हैं जिन्हें लगातार मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच जाकर उन्हें समझा रहे हैं और उसके लाभ के बारे में भी उन्हें बता रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी जानकारी को साझा करने के लिए।
प्रियंका गांधी आज ग्वालियर में सभा को संबोधित करेंगी। एक महीने में प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। बता दें, सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रियंका आगाज करेंगी। प्रियंका गांधी सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाएंगी और पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगी। रैली को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस ने कई तैयारियां भी की हैं। 10,000 से ज्यादा बसों में मेला ग्राउंड पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तो वहीं 5,000 ट्रैक्टरों से किसान इस रैली में शामिल होंगे। 20,000 से ज्यादा कार और जीप से भी पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां आएंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा दूसरे वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी का स्वागत करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग की सभी सीटों पर जीतने का कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है। जबलपुर के बाद ग्वालियर में प्रियंका गांधी की ये दूसरी बड़ी सभा है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा होने जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कमलनाथ भी पहुंच रहे हैं और कुछ दिग्गज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बड़ा खास ये दौरा आज का होने जा रहा है। आज सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। जन आक्रोश रैली जो है होने जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। आज ग्वालियर प्रियंका गांधी आने वाली है। जन आक्रोश रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं। रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल प्रियंका गांधी जाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई को प्रियंका अर्पित करेंगी श्रद्धा सुमन। बड़ी संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। 5,000 ट्रैक्टर से किसान रैली में शामिल होंगे। 10 बसों से कार्यकर्ता मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। तो वहीं बता दें आपको, ये बेहद ही खास ये दौरा होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश का यह दौरा प्रियंका गांधी का होने जा रहा है। बड़ा ही बेहद ही खास और बड़ी जन आक्रोश रैली होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर शैलेंद्र ये है कि दिग्गजों के गढ़ में सेंध मारने के लिए प्रियंका जा रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दिग्गजों के गढ़ में सेंध मारने का प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 2018 के जो परिणाम थे वो कांग्रेस के लिए इस इलाके से बेहद सुखदायी थे। क्योंकि अगर 34 सीटों में 27 सीटें यहां कांग्रेस ने पाई थी। अब मैं आपको समस्थल की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि हम उसी मंच पर मौजूद हैं जिस पर अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी जब यहां पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज जो है वो यहां मौजूद रहेंगे। जन आक्रोश महारैली जो आयोजित की जा रही है, जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो बता रही कि लगभग 1,00,000 से ज्यादा अधिक लोगों को यहां बुलाया गया है, चाहे वह बसों के माध्यम से हो, ट्रैक्टर्स के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यम से यहां लोगों को बुलाया गया। तस्वीरें आप देखिए, ये मेला ग्राउंड का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। तमाम जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम दौर में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास प्रियंका गांधी यहां पहुंचेंगी और उसके बाद सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पहुंचकर वह उनको नमन करेंगी और उसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। आखिर किस तरह की पूरी तैयारियां हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की पूरी तैयारियां की गई हैं इस बार, क्योंकि बड़ी रैली दिग्गजों के गढ़ में हो रही है? देखिए, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जैसे ही ग्वालियर में प्रवेश करेंगे, सर प्रथम तो वो महारानी लक्ष्मीबाई पे स्टैचू पर पहुंचेंगे। और आज मैं देश की तरफ से एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि लक्ष्मीबाई जी की जो शहादत थी उसके बाद अगर देश के लिए किसी ने शहादत दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस की हमारी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने बलिदान दिए। भाजपा जो आज अपने आप को इतना सशक्त बताती है, बताएं अगर एक बलिदान उनका हो। सर, एक ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर हों, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, सब इस इलाके से आते हैं। क्या लगता है कि 2018 का परिणाम फिर से एक बार कांग्रेस के पक्ष में इस तरह से होगा? बिल्कुल साहब, 2018 का जो परिणाम था वो कांग्रेस का ही था, कांग्रेस के पक्ष में था। मैं आपको बता दूं, 18 में जो कांग्रेस आई थी वो अपनी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर आई थी। और इस बार आपने देखा कि मेयर का चुनाव चाहे ग्वालियर का हो चाहे मुरैना का हो, सभी जगह जो कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। ऐसा नहीं है कि हमारी सिंधिया के यहाँ से पार्टी को छोड़ने के बाद पार्टी कहीं कमजोर हुई, पार्टी मजबूत हुई है और कार्यकर्ता आजाद हुआ है।
तो देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2018 की तरह ही इस ग्वालियर चंबल संभाग की जनता उनको आशीर्वाद देगी, और यही कारण है कि जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच रही हैं तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। पूरा शहर जो है वो बैनर पोस्टर से पटा हुआ है और तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 2018 में यहाँ से अधिक सीटें आई थी, लेकिन बाई इलेक्शन में कुछ सीटें कांग्रेस लूज की थी, लेकिन अगर आज की बात करूँ तो 34 में 17-17 सीटें दोनों ही राजनीतिक दलों के पास हैं। तो ये रैली जो है, जो जिनको जल आक्रोश रैली कहा गया है, तो इसमें तमाम जो मुद्दे हैं उनको ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अनूपपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखा गया है। स्कूली छात्रा को सांप ने काटा, झाड़ फूंक के बाद मुंह से जहर निकाला गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला ये आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप अनूपपुर की देख रहे हैं। अस्पताल में अंधविश्वास का खेल चल रहा है। ये तस्वीर अनूपपुर की है, जहां पर स्कूली छात्रा को सांप ने काट लिया और उसके बाद झाड़ फूंक के बाद मुंह से जहर निकाला गया। तो अस्पताल में अंधविश्वास का खेल बदस्तूर जारी है। आखिर क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभांगी, अस्पताल में अंधविश्वास का खेल चल रहा है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए। बिल्कुल ऋतु, अनूपपुर के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक ही एक झाड़फूंक वाला जब आया तो लोग हैरान तो रह गए, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ में लोग उस अंधविश्वास के खेल को देख रहे थे, जिसकी जद में आज भी हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसी चीजों को मानते भी हैं और इनको बढ़ावा भी देते हैं। आपको बता दें कि 8वीं कक्षा की ये छात्रा थी जो सुबह 9 बजे के आसपास अपने स्कूल पहुंची। स्कूल परिसर में अचानक ही उसे सांप ने काट लिया, जिसके बाद पहले प्राथमिक इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और उसके बाद लगभग एक घंटे के समय के बाद बताया जा रहा है कि एक झाड़ फूंक वाला आया और उसने वहां पर अपने अंधविश्वास का खेल शुरू किया। मुंह से जहर चूसकर उसने छात्रा की जान बचाने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि वहां पर डॉक्टर भी मौजूद थे, मेडिकल स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन किसी ने भी अस्पताल में चल रहे अंधविश्वास के खेल के लिए रोक नहीं लगाई, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। यह भी बताया जा रहा है कि परिजनों के कहने पर ही झाड़फूंक वाले को वहां बुलाया गया और लोगों की भीड़ अस्पताल में जमा हो गई। अस्पताल के बेड पर ही छात्रा के जहर निकालने के लिए इस अंधविश्वास झाड़फूंक का सहारा लिया गया। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस क्षेत्र में सांप काटने की घटनाएं तो आती रहती हैं, लेकिन लोग हैं कि आज भी झाड़फूंक और ऐसे अंधविश्वासी चीजों पर भरोसा करते हैं। भले ही हमारा देश आज चांद तक पहुंच रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोग आज भी इन अंधविश्वास के खेलों पर यकीन भी करते हैं और डॉक्टर के इलाज लेने के अलावा भी इस अंधविश्वास के खेल की जद में आते हैं और झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं। फिलहाल छात्रा खतरे से बाहर है, उसे घर भी भेज दिया गया है, लेकिन सवाल यही है ऋतु, जैसा आपने भी जिक्र किया कि अंधविश्वास का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी जानकारी को साझा करने के लिए। मुरैना से बड़ी खबर है, प्राचार्य और छात्रों में मारपीट की तस्वीर आई है। सरकारी ITI कॉलेज में मारपीट हुई है। छात्रों ने खाने की समस्या पर ज्ञापन दिया है। प्राचार्य के ज्ञापन फेंकने पर विवाद हुआ। पहले प्राचार्य ने छात्र को पीटा, कॉलेज स्टाफ ने बीच बचाव किया, ADM ने जांच टीम भेजी है। अरे मैं थोड़ी करूंगा यार, वहां से ले लेना। सरकारी ITI कॉलेज में ये मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
शाजापुर जिले में एक व्यक्ति का महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो अकोदिया थाना क्षेत्र के रानी बड़ौद गांव का है। इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो इस महिला का ससुर बताया जा रहा है, जो घर के बाहर ही अपनी बहू के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो पड़ोसियों ने बनाया। मारपीट का ये पूरा मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है। 12 सेकंड के इस वीडियो में पुलिसकर्मी थाने में बैठकर चिल्लर की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ग्वालियर के कोतवाली थाने का है, जहां पर एक शख्स ये पैसे लेकर आया था। पूरा मामला दरअसल ये है कि कुटुंब न्यायालय ने एक मिष्ठान भंडार संचालक बलदेव अग्रवाल को आदेश दिया था कि हर महीने उसे पत्नी को मेंटेनेंस के लिए 5,000 रूपए देने होंगे, लेकिन 8 महीने तक ये रकम उसने पत्नी को नहीं दी, जिसके बाद महिला ने फिर कोर्ट की शरण ली और तब कोर्ट ने पुलिस को मिष्ठान संचालक से मेंटेनेंस चार्ज जमा कराने के निर्देश दिए। इधर पुलिस ने जब इस व्यक्ति को चार्ज जमा करने को कहा तो वो 2 बोरियों में 20,000 रूपए सिक्के और 10,000 रूपए नगद लेकर पहुंचा और इसे थाने में जमा करा दिया, जिसके बाद थाने में मौजूद स्टाफ इस रकम को गिनने में लग गए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज की छात्रों को सौगात।